नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था द्वारा सब्जेक्ट वाइज क्विज की एक श्रृंखला चलाई गई है, जिसके अंदर हम प्रत्येक सब्जेक्ट की कुछ क्वेश्चन को कवर कराएंगे, यानी कि 150 से 200 क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आने की 100% संभावना है। प्रत्यक्ष रूप से भी इनकी आने की संभावना है, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये प्रॉपर आपको आपके पेपर के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% चांसेस है कि ये आपको आपके पेपर के अंदर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चार हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रधानमंत्री के ऊपर हो सकता है, उपराष्ट्रपति के ऊपर हो सकता है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इसका पैटर्न है, इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा कथन इनमें से सही है, यानी कि तीन गलत हैं, वो तीन कैसे गलत हैं। आइए पहला विकल्प चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, कि राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ओके, जिसमें संसद के केवल निचले सदन के सांसद और दिल्ली और पुदुचेरी राज्य के विधायक शामिल है। निचले सदन नहीं, दोनों सदन इसके अंदर शामिल होते हैं, उनके निर्वाचक जो सदस्य हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं और दोनों ही सदन होते हैं, निचला या ऊपर नहीं, दोनों ही सदन जो है वो शामिल होते हैं। पहला तो हो गया गलत, पहला सही नहीं है। दूसरा क्या है कि वोट बारे, यानी कि वोट का मूल्य, राष्ट्रपति पे जब सांसद या विधायक जब अपनी वोटिंग करते हैं, अपना जो वोट देते हैं, उसका मत का कुछ वैल्यू होता है, वो जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। उसके अंदर उनका जो मूल्य है वो 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो आधार लिया जाता है जनगणना का वो लिया जाता है अभी तक 1971 लिया जाता है। इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, बोला गया है कि हाँ इसको अपडेट किया जाएगा, मगर आपस में विवाद है। दक्षिण जो मान ली तमिलनाडु राज्य है ये, और उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है, वहां पर जनसंख्या कम है, तो आपस में विवाद चल रहा है कि इसको मान लीजिए 2001 या 2011 करना है, तो उसके ऊपर विवाद चल रहा है। अभी वो नहीं किया गया है, लगातार उसको बढ़ा दिया जाता है कि आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद करेंगे उस चीज को, तो लगातार इस पर विवाद चल रहा है। अभी 1971 ही है, तो ये सही है, यानी कि आंसर तो हमें मिल चुका है। देख लेते हैं कि सी ओ डी क्यों गलत है। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, मनोनीत नहीं, निर्वाचक होते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए गलत है। डी क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्ति में भरने के लिए चुनाव की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा करने का प्रावधान है। ये 62(1) के अंदर, यानी 62 में दिया गया है, 58 में नहीं, तो ये इसलिए गलत है। आंसर क्या है, बी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्या है, अगला दिया गया है कि बुनियादी संरचना के जो सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं पर चर्चा के लिए, जरूर हमें बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है और आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो काफी बार क्या देखते हैं कि बुनियादी संरचना के ऊपर क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कौन सा सही होगा, ये पूछा गया होगा, देख लेते हैं कौन सा सही है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है काफी बार। जब आपको लगता है कि दो कथन गलत हो गए हैं, वो पूछे तो सही किया गया है, तो ये क्या क्या हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला क्या है कि यह न्यायिक समीक्षा के रूप में जिसका उपयोग अदालतों द्वारा किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। आगे क्या दिया गया है, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 में कृष्णन भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक फैसले में विकसित किया गया था, बिल्कुल वहीं से ही चीजें विकसित हुई थी, ठीक है। सी में क्या है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवैधानिक संशोधन की जांच करता है और संशोधन संविधान के मौलिक सिद्धांतों को कमजोर नहीं करता है, तो ये भी सही है। और ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी इसके 50 साल पूरे हुए हैं कृष्णन भारती मामले के, तो हो सकता है इससे संबंधित कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बुनियादी संरचना के ऊपर क्वेश्चन आए या फिर किसी अन्य टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाए, क्वेश्चन पूछ ले जाने की पूर्ण संभावना है। 100% हो सकता है कि आपको पीसीएस या फिर आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला चेक कर लेते हैं, क्या गया है कि संसद या तो मूल संरचना में संशोधन या नष्ट कर सकती है, ऐसे संसद की हिम्मत नहीं है, ऐसा वो नहीं कर सकती है, मूल ढांचे के अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको नष्ट नहीं कर सकती है, जो उसकी मूल भावना है उसको संसद जो है वो नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो
तो ऐसा ये गलत हो जाता है, यानी कि डी गलत है और हमसे सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं कौन सा है, डी है, डी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेष अधिकार और शक्तियों से संबंधित है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक इसका आंसर है, तीन गलत है, तीन किसी अन्य चीज से संबंधित है। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा किस चीज से संबंधित है। एक ही बात करते हैं, अनुच्छेद 100 दिया गया है। 100 किससे संबंधित है, संसदों में मत से संबंधित है, या निरुक्ति होने के बावजूद जो संसदों की कार्य है उनकी गणपूर्ति है उनके ऊपर इस चीज में दिया गया है। यानी कि जो 100 अनुच्छेद संबंधित है वो संसदों के मत से संबंधित है, और निरुक्ति होने के बाद जो संसदों की कार्य है उनसे संबंधित है। तो ये संसदों के विशेष अधिकार उनकी शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, 105 है, तो ये संबंधित है, सांसदों के विशेष अधिकार और शक्तियों से संबंधित है, तो आंसर तो बी हो जाता है। मगर देख लेते हैं वो सी और डी क्यों नहीं हो सकता, ये किससे संबंधित है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये देखना है कि एक तो पैटर्न को समझना है और उसके बाद नॉलेज भी तो लेनी है ना। अभी मान लीजिए 109 और 108 पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अनुच्छेद 109 क्या है, वो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 108 क्या है, वो संयुक्त बैठक से संबंधित है, यानी धन विधेयक की बात ना हो, किसी भी अन्य मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा की आपस में भिड़ंत हो जाए तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंदर उस चीज की प्रक्रिया दी गई है, तो वो 108 है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है हमारा बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतरराज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। पहला क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, तो पहला ही हमें आंसर मिल चुका है। आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 में की गई थी। एक तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि जरूरत महसूस होने पर, यानी कि विवाद हो जाता है किसी राज्य और किसी अन्य राज्य के बीच में, या किसी केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य के बीच विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए, अपने परामर्श देने के लिए इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जरूरत पड़ने पर होता है, मान लीजिए विवाद है तो इसकी स्थापना कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है। अब वो सुझाव किसने दिया था, 1988 में सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि परिषद को एक अस्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए, और 1990 में एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसको अस्तित्व में ये आ गया था। कब आया, किसने इसका सुझाव दिया था, कौन सा आयोग था, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे फैक्ट होते हैं, एक अनुच्छेद फैक्ट हो गया, कौन सा आयोग था ये फैक्ट हो गया, और उनके सन भी फैक्ट हैं, ये भी याद रखने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित है ये भी याद रखना है, देखिए वहां पर वही गलती कराई गई है, प्रधानमंत्री डाला गया है, ठीक है। परिषद के मुख्य कार्य राज्य के बीच विवादों को सुलझाना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी राज्य किसी राज्य के बीच में विवाद हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बीच में विवाद हो गया है, तो वो ये चीज संभालती है कि क्या विवाद है, इसको सुलझाना, परामर्श देना, ऐसे आप कार्य कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा अन्य जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता के रूप में कार्य करता है, यानी इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और जिसके सदस्यों में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्र के मंत्रिपरिषद में कैबिनेट के रैंक के 6 मंत्री भी इसके अंदर सदस्य होते हैं। मान लीजिए मनोनीत संबंधित कोई चीज अलग चेंजेस करके वहां पर क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो वो चीजें ध्यान में रखिएगा। आंसर आपको मिल चुका है, आंसर इसका ए है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें रखी हैं, तो तीन हमारे सामने रखी हैं, इनमें से एक गलत होगी पक्का, या फिर दो गलत होंगी, या तीनों गलत होंगी, या फिर तीनों सही होंगी, क्या है क्या नहीं है ये चेक करना है, सही चुनना है हमें आंसर, बस इतना पता होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला क्या दिया गया है कि यदि इसे 6 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, जी नहीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो पहला ही गलत हो जाता है कथन। दूसरा क्या है, दूसरा कथन में क्या दिया गया कि अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्य में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले हों, और पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद हों, तो ये इसका एक मापदंड है, तो ये बिल्कुल सही मापदंड दिया गया है। तीसरे में क्या दिया गया है कि अगर उसमें कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% चीजें जो है वो सीटें जो है उन्होंने जीती हो, तो 2 मापदंड तो सही दिए गए हैं, एक मापदंड गलत दिया गया है, वहां पर 6 रखा गया है, होना क्या चाहिए 4 होना चाहिए, तो 1 गलत है, 2 और 3 सही है, हमें सही का चुनाव करना है, तो हमारे लिए आंसर केवल 2 और 3 यानी कि डी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम पेसा 1996 के बारे में नीचे हमारे सामने चार कथन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है कि यह अधिनियम केंद्र द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। और स्वशासन किसके लिए बनाया गया है? पंचायती राज से ही संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि यह आदिवासी समुदाय और अनुसूचित क्षेत्रों के निवास के अधिकारों को मान्यता देता है कि वे सब सरकार अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करें, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि पेशा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों और नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अधिकार ये देता है, तो ये पेशा से संबंधित है। देखिए एक अधिनियम आपका तैयार हो जाता है कि इसके क्या क्या मापदंड है, क्या क्या वो काम करता है। हम मान लीजिए पेशा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। आगे क्या दिया गया है कि राज्य सरकारें अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियम में बिना कोई कानून बनाए संशोधन करती हैं जो पेशा के शासनादेश के साथ असंगत होगा। तो बिल्कुल चारों के चारों जो पेशा संबंधित कथन दिए गए हैं वो चारों ही सही है। तो यहाँ से अधिक जानकारी हो जाती है आपको पेशा से संबंधित, यहाँ से आप मोटी मोटी जानकारी पेशा संबंधित निकाल सकते हैं। तो इसके समय कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। हमें बता दिया कि चारों सही है तो हमारा आंसर डी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संसद की राज्यसभा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए संसदीय राज्यसभा समिति का गठन 1976 में राज्यसभा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत किया गया था। आगे क्या दिया गया है कि समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं गृह मंत्री करते हैं, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा क्या है कि यह समिति राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और राजकीय संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश भी करती है, यह समिति ऐसे कार्य करती है। दूसरा गलत है, एक और तीन सही है। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि सी इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी हम ले लेते हैं, थोड़ा सा अन्य और चीजें जान लेते हैं। देखिए संसदीय राज्यसभा समिति की स्थापना 1976 में राज्यसभा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के संसद के किसी भी सदन और दोनों सदनों द्वारा पारित। तो ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री दिया गया था जो मैंने आपको बता दिया। यह 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति में 30 सदस्य, लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के कितने 10 सदस्य। तो ये फैक्ट है, कितने कितने सदस्य कथन कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समिति राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और राजकीय संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिश भी करती है, ठीक है। तो ये सब इस चीज के बारे में जानकारी थी, आंसर आपको पता चल चुका है कि आंसर इसका सी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकपाल और लोकायुक्त संबंधित जो अधिनियम है उससे संबंधित दो कथन दिए गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि इनमें से दोनों सही हैं कि गलत है, कि एक सही है क्या है। आगे दिया गया है, पहला कथन क्या है कि अधिनियम एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोकपाल की स्थापना का प्रावधान करता है। और ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में, ठीक है। कब से चीजें स्टार्ट होगी? 2014 में, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निर्दिष्ट पात्रता मापदंडों को पूरा करता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बिल्कुल सही दिया गया है, एक कथन तो सही हो गया, दूसरा सही है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। देखिए लोकपाल के अधिकार के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री हो, कोई सांसद हो, समूह हो, कौन सा भी ग्रेड हो, आप ए ग्रेड के अधिकारी हो, बी के हो, सी के हो, डी के हो, कोई से भी हो, आपका इलाज हो सकता है, ये आपके इलाज कर सकते हैं यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है। आप पूर्व प्रधानमंत्री हो या कोई गृह मंत्री हो या कोई सांसद आप हो, किसी भी ग्रेड के आप अधिकारी हो, ए बी सी डी किसी के भी आप अधिकारी हो, आपका इलाज हो सकता है यदि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन जो है सही दिए गए हैं और आंसर क्या है इसका? सी इसका आंसर हो जाता है। तो हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।